कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज काफ लीग की एक और विकेट गिरा दी। कसूर के अहम सियासी रहनुमा आज पी टी आई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। काफ लीग के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी का पी टी आई में शमूलियत का फैसला। हल्का 139 में उम्मीदवार बराए एम एन डॉक्टर अजीमुद्दीन ने पी टी आई में शामिल होने का फैसला किया है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज काफ लीग की एक और विकेट गिरा दी। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज काफ लीग की एक और विकेट गिरा दी। कसूर के अहम सियासी रहनुमा आज पी टी आई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। काफ लीग के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी का पी टी आई में शमूलियत का फैसला। इसी हवाले से लाहौर रंग के नुमाइंदे असद सुहेब हमारे साथ मौजूद है। जी असद सुहेब, बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज काफ लीग की एक और विकेट गिरा दी। जी बिल्कुल, कसूर के हल्के 139 से मुस्लिम काफ के टिकट होल्डर डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज कर रहे हैं। अलीम खान के दफ्तर में इन लोगों को बुलाया गया है। इसके अलावा PP 170 कसूर से टिकट होल्डर हाशिम डोगर, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान से आज उनकी मुलाकात होगी, जिसमें बाजाबा तौर पर जो है ये दोनों कसूर के अहम सियासी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करेंगे। तहरीक इंसाफ के लड़के कह रहे हैं कि कसूर से तहरीक इंसाफ को काफी सियासी फायदा हासिल होगा इन दोनों शख्सियात के तहरीक इंसाफ में शामिल होने से। अलीम खान के गुलबर्ग में दफ्तर में ये दोनों शख्सियात जो है पहुंचेंगे। कुछ ही देर बाद इमरान खान से मुलाकात होगी, जिसमें बाजाबा तौर पर ऐलान किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का। जी एस एस सुहेब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।